हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। वेल फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने लगे कि कैसे आप एक सिंपल से पिक को अपने पिक को एडिटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फोटो एडिटर करके ऐप जो है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये सब बताने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज का आपका जो हमारा टॉपिक है कि आप कैसे एक सिंपल से पिक को एडिटिंग करके एक अच्छे वेब पिक कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको जो है फोटो एडिटर करके ऐप को जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। ये फोटो एडिटर ऐप मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है अपने सिस्टम में। ये देखिए आप फोटो एडिटर है। आप सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, आपको काफ़ी वेरिएंट में ऐप में जो फीचर्स मिलते हैं यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ देखेंगे हमें काफ़ी फीचर्स मिलते हैं। एडिटिंग करना हो आप एडिटिंग कर सकते हैं, कोलाज बनाना हो कोलाज बना सकते हैं, PIP अगर आपको करना हो तो PIP भी कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी वेरिएंट मिल जाता है, आप देखेंगे काफ़ी डिजाइन्स मिलती हैं, जिस डिज़ाइन में आपको कन्वर्ट करना हो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने के लिए पहले हम आपको यहाँ पर जो स्टार्ट पे जाना होगा। स्टार्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हम एक पिक लेते हैं सिंपल सा। सिंपल पिक लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पिक आ गया है हमारे पास। एडजस्ट का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। एडजस्ट में देखेंगे ब्राइटनेस अगर आपको कम ज़्यादा करना हो कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट आपको जो है आप देखना चाहेंगे करना चाहें कर सकते हैं, सेचुरेट करना चाहो कर सकते हो, साफ ना हो आपको वो भी कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट जो है आप इसको देखेंगे, हमने एडजस्ट के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट किया है थोड़ा सा, ये आप देखेंगे कॉन्ट्रास्ट किया, ओके किया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है। फिल्टर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी फिल्टर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे हम ये फिल्टर्स करते हैं, यहाँ आप देखेंगे काफ़ी फिल्टर्स अवेलेबल हैं। जिस फिल्टर में आपको वेरिएंट में करना हो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट करना हो, कलर्स में करना हो या फिर साफ करना हो। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक वो फीचर है टेक्स्ट का, अगर आप कुछ भी टाइप करना चाहें यहाँ पे आप इजीली वेब पे से टाइप कर सकते हैं। यहाँ कलर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे फॉन्ट आपको इटालियन चाहिए, इंडियन चाहिए या किसी बोल्ड फैब्रिक किस में चाहिए आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप करना आप टाइप कर सकते हैं, किसी भी कलर में आप देना चाहें कलर देना चाहें दे सकते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे स्टिकर का भी ऑप्शन है और यहाँ पे आपको काफ़ी वेरिएंट में स्टिकर्स मिलते हैं, जिस वे पर आपको जाना हो कर सकते हैं। मैंने नेट बंद कर रखा अपना, लेकिन आपको स्टिकर्स काफ़ी मिल जाते हैं यहाँ पे। वेल फ्रेंड्स, क्रॉप का भी ऑप्शन है। क्रॉप में आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपनी इमेज को क्रॉप करना हो कम ज़्यादा करना हो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है 4.3, 2.1, 2.3, किसी वे पर आप देना चाहें कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको यहाँ पे एडिटिंग से रिलेटेड एक रोटेट का भी मिलता है ऑप्शन। फोकस का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिस पर्टिकुलर स्पेस पर फोकस करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमने फेस पर फोकस किया है, ये फेस पर फोकस करेगा सीधे। और इससे आप जो है ये सब ऑप्शंस ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आप अपनी इमेज को जो है सेव करते हैं। इमेज सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सब कुछ करने के बाद आपको अलग से ऑप्शन जो मिलते हैं ग्रिड, अगर आपको अपनी इमेजेस को ग्रिड करना हो तो यहाँ देखेंगे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे ग्रिड करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलता है कोलाज का, कोलाज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, जो हमने इमेज चेंज की थी, जो हमने एडिटिंग की थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो इमेज में आप देखेंगे फ़र्क कितना आया है। ये देखिए, जो हमारा पुराना जो पिक था वो इस टाइप का था, लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट किया, एडिट किया, तो उसके बाद आप चेंजेस देखेंगे, बिल्कुल आप देखेंगे एकदम प्रोफेशनल लुक आ गया है। और इसको जब आप एडिट करते हैं तो देखिए कितना डिफरेंस आप दोनों में देखें, दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा, काफ़ी डिफरेंस दोनों में दिख रहा है। वेल फ्रेंड्स, आप इजीली इसी टाइप से अपने पिक को एडिटिंग करके पिक को जो पोस्ट पब्लिकली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयरिंग कीजिएगा। थैंक यू।